हाथों को काम में लाएं, इसलिए सब्सक्राइब के साथ घंटी बजाएं। आ गए आप लोग। सो हेलो फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकीबुल हसन। सो टुडे यार, ये वीडियो आज हम बात करेंगे टर्किश लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में? टर्किश लैंग्वेज के बारे में। इसमें जो जो टर्किश लैंग्वेज में डिटेल्स हैं, कोर्स है, फीस है, स्ट्रक्चर है, फेलियर एक्सेप्टेंस, जो भी एडमिशन के लिए टर्किश लैंग्वेज या कुछ भी टर्किश लैंग्वेज से रिलेटेड जो जो आपको नॉलेज चाहिए, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो यार, मैंने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कि अगर आप लोगों के टर्किश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं जो कि आप पूछना चाहते हो, या आपके कोई सवाल इस तरह के जो आप कन्फ्यूजन हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो टर्किश लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो पूछो। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किए थे, तो उनमें से जो मैंने सिलेक्ट किए हैं तकरीबन सेम सिमिलर क्वेश्चन ही थे सबके, तो उन सब के भी आंसर्स मैं इसी वीडियो में ही दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे टर्किश लैंग्वेज कोर्स डिटेल्स के बारे में, कि हम टर्किश लैंग्वेज के कोर्स की जो आपको डिटेल्स जो जो चाहिए उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब टर्किश लैंग्वेज जो कोर्स है वो कितने मुद्दत का होता है, क्या टाइम ड्यूरेशन क्या होती है उसकी, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे वाले टर्किश लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेते हो। मीन्स एक महीने का भी होता है, दो महीने का, तीन, चार, बट द बेस्ट वन इज लेट्स सपोज अगर आप किसी और कंट्री मतलब टर्की में आना चाहते हो, टर्किश लैंग्वेज में कुछ पढ़ना चाहते हो, टर्किश लैंग्वेज में अपना सब्जेक्ट आगे पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए जो होता है ना वो आपको एक पूरा कोर्स करना पड़ता है। वो होता है ऑलमोस्ट फ्रॉम 6 to 8 months का वो कोर्स होता है, जिसके अंदर 5 stages होती हैं, मतलब जिसके अंदर 5 books होती हैं, 5 exams होते हैं, जिनको हम कहते हैं A1, A2, B1, B2 and C1। तो ये 5 books होती हैं और इन 5 books के एग्जाम्स होते हैं। मतलब ये सिर्फ स्टेजेस हैं लैंग्वेज को ऐसे बेटर 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 करने के लिए। कोई इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ बुक ही याद करनी है, लैंग्वेज याद करनी है बेसिकली। इसका फिर ये होता है कि हर बुक का मतलब हर लेवल का एक एग्जाम होता है। मीन A1 का एग्जाम क्लियर, फिर आप जाएंगे A2 में, A2 क्लियर, फिर आप B1 क्लियर, फिर B2 एंड देन JB मीन C1। सो फाइनल स्टेज जो होती है वो होती है C1, और उसके बाद एकेडेमिक टर्किश भी होती है, जिसमें मतलब वो एकेडेमिक कुछ टर्म्स होती हैं जो टर्किश लैंग्वेज में वो भी आपको सिखाते हैं। वो फ्री, उसका एग्जाम नहीं होता लेकिन वो क्लास लेनी पड़ती है। तो ये होता है टर्किश लैंग्वेज की स्टेजेस और ड्यूरेशन जो मैंने आपको बता दी। अगर हम अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सो यार बेसिकली जो टर्किश लैंग्वेज ये वाला है जिसका मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिसमें ये सारी स्टेजेस आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उनको क्लियर करना पड़ेगा, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका फीस स्ट्रक्चर जो मिनिमम भी होता है ना, तो वो होगा पर एग्जाम, मैं पर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मतलब A1 का, सिर्फ A1 का, A2, B2, इसमें फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, पर एग्जाम का स्टार्ट होगा From 1000 Turkish Lira to 2000 Turkish Lira, in between यही कहीं आपको मिलेगा पर एग्जाम। मतलब ये डिपेंड करता है, इस्तांबुल में जाएंगे वहाँ कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, अंकरा में जाएंगे वहाँ कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, कुछ और सिटीज़ में आ जाएंगे जहाँ पे अभी इतना ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं होता वहाँ कम भी मिल जाएगा। और ये डिपेंड भी करता है कि इदारे पे कौन सा इदारा आपको करा रहा है, तो इस तरह से फीस वेरी करती है। तो बेसिकली अब ये जो होते हैं ना C1 तक जो टर्किश लैंग्वेज ये पूरा कोर्स लेना होता है, ये बेसिकली सिर्फ वही स्टूडेंट्स ही लेते हैं जो कि यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज में अपने आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहते होते हैं। तो वो उनको एक मतलब फुल टर्किश लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए। और अगर प्राइवेट में भी आप आना चाह रहे हो ना, तो ये प्राइवेट में भी आप पहले टर्किश लैंग्वेज सीखोगे, फिर एग्जाम दोगे और फिर उसमें यूनिवर्सिटी में जाओगे। जो एग्जाम योस का एग्जाम जो होता है उसके बारे में मैंने वीडियो बनानी है और मैं जल्द ही बनाऊंगा और उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अभी फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब अगर आप वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए काफ़ी सारे बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह सोच रहे होते हैं या कुछ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो उसके लिए भी वो सोच रहे होते हैं कि टर्किश लैंग्वेज करें, तो यार उसके लिए फिर आप 3 months टर्किश लैंग्वेज या 4 months टर्किश लैंग्वेज कोर्स वो वाले ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ इस लेवल तक सिखाते हैं कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सको। हाँ, जो हमारे वाले लैंग्वेज कोर्स हैं हमें उस लेवल तक पढ़ाया जाता है ताकि हम यहाँ पर स्टडी कर सकें उनकी लैंग्वेज में, उनके स्टूडेंट्स जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं उनके बराबर तक पहुँच सकें, मतलब वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं कि हमें वहाँ तक लेके जाएं कि हम समझ सकें, और बहुत अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। अब इस लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि 5 books होती हैं, A1, A2, B1, B2 and C1, ये क्लियर हो गई आपको बात, और 5 exams होते हैं। अब अगर हम एग्जाम्स के बारे में बात करें कि एग्जाम्स किस तरह के होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ रिटन एग्जाम ले लिया तो हो गया, इस तरह से नहीं, 3 types के एग्जाम होते हैं हर बुक के, A1 के भी 3, जिसमें आता है रीडिंग, लिसनिंग एंड टॉकिंग। अब इसमें क्या होता है, जो रीडिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं जिसको उकुमा कहा जाता है, तो उसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसको आपको रीड करना होता है और नीचे क्वेश्चन होते हैं, उस पैराग्राफ को रीड करके उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ये इस तरह का एग्जाम होता है। अब लिसनिंग के बारे में बात की जाए, लिसनिंग जिसको दिनले में कहते हैं, उसमें यह होता है कि एक ऑडियो चला दी जाती है टर्किश लैंग्वेज में,
और नीचे क्वेश्चन आंसर आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए होते हैं, उस ऑडियो को सुन के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, वो इस तरह से होता है। और कुनुष्मा जिसको कहा जाता है टॉकिंग को, वो एक वाइवा टाइप ही होता है, सामने आपके एक टीचर बैठ जाता है और आप बैठे होते हो, वो आपसे टकरीफ में कुछ बातें करता है कि अपना हाल बताओ, अपने मूल का बताओ, या कुछ भी टॉपिक, कुछ भी रिलेटेड टू किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं वो, लेकिन टर्किश लैंग्वेज में वो जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए होते हैं उस मतलब लेवल में उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। सो इस तरह से ये हमारे एग्जाम्स होते हैं। अब इनके मेथड के बारे में बात की जाए कि टर्किश लैंग्वेज कोर्स में क्या टेक्निक्स या क्या किस मेथड के तहत जाके वो पढ़ाते हैं हमको, सो यार बेसिकली मोस्टली जो टर्किश लैंग्वेज कोर्स में टीचर्स होते हैं ना, वो तकरीबन कोशिश की जाती है कि वो कोई और लैंग्वेज ना जानते हो, सिर्फ उनको टर्किश आती हो, मीन्स उनको ना इंग्लिश आती हो, ना अरेबिक आती हो, ना कोई और लैंग्वेज ना आती हो। शुरू शुरू में अच्छा ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है कि मतलब उनको इंग्लिश भी नहीं आती टीचर को, तो हम किस तरह हमें समझाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो बहुत अच्छे, काफ़ी वेल ट्रेन टीचर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं होती, मतलब वो जानते हैं कि उन्होंने किस तरह समझाना है। अब मैं अपनी शुरू में बात करूँ, जब मैं शुरू शुरू में यहाँ पे आया था, और शुरू शुरू में काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं जब आप बिल्कुल नहीं जानते और टीचर भी इंग्लिश नहीं जानते, तो शुरू में हम इशारों के जरिए, सिंबल्स के जरिए कम्युनिकेट करते थे टीचर्स के जरिए, मतलब एक इमोशंस पता चल जाते हैं कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी, बट बाय द टाइम क्योंकि हमें भी कुछ ना कुछ बेसिक टर्किश आ जाती है और उनको आप पता होता है, और टीचर्स को तो पता होता है कि बच्चे इतने इस लेवल में इतनी डिफिकल्टी फेस करेंगे, इस लेवल में इतना इनको इस तरह से हैंडल करना, सो इतना इशू नहीं होता, टर्किश लैंग्वेज सीख ही जाते हैं, कोई इसमें बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इसमें अगर बात की जाए कि ये क्लासेस कैसे होती हैं हमारी, मोस्टली यार ये डिपेंड वॉच आवर्स पे डिपेंड करता होता है कि आपको इतने घंटे होते हैं अपने लैंग्वेज में, इतने घंटे कंप्लीट करने हैं, ये अब आपके इदारे पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से लेके चलते हैं। अब उसमें जो बेसिक्स अब होते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि यार जैसे स्कूल की क्लास होती है कि यार डेली आना है पढ़ना है और पढ़ना है पढ़ना है, उस तरह से क्लासेस हमारी बिल्कुल नहीं होती स्कूल टाइप वाली, क्योंकि यार वो तो पढ़ाई में बंदा पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है, कि मतलब कहता है कि यार क्या लैंग्वेज में इस तरह से हम कभी सीख ही नहीं सकते सिर्फ पढ़ने से। सो हमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, कॉम्पिटिशन्स छोटे छोटे कराए जाते हैं, वाइवे टाइप कराए जाते हैं, आपस में टॉकिंग्स करवाई जाती हैं बच्चों की, दो क्लास वालों को आपस में बिठा के गुफ्तगू कराई जाती है, हंसवाया जाता है, खेला जाता है, हमारे ट्रिप्स जाते हैं इधर उधर, उधर जाके कुछ सिखा देते हैं हमें। सो इस तरह से मतलब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके वो सिखाते हैं, ये नहीं है कि बेसिकली सिर्फ बुक्स उठा दी, इनको पढ़ो और इन्हीं से सीखो, इस तरह से कभी लैंग्वेज सीखी भी नहीं जा सकती। काफ़ी सारी वो गेम्स हमें खिलवाते हैं, खेलते हैं हम लोग इस तरह की, जिसमें हम लैंग्वेज सीख सकें सिर्फ इस तरह से, तो मतलब जिस तरह से भी हमने लैंग्वेज ही सीखनी है ना, तो इस तरह से वो उसको ईजी बनाते हैं और मोर इंटरेस्टिंग बनाते हैं और फन बनाते हैं, कि यार बच्चों को सीखने में भी मज़ा है, हमें सिखाने में भी मज़ा है और कुछ गेन भी करें इससे, तो इस तरह से होता है ये। तो ये सब कुछ हो गया टर्किश लैंग्वेज कोर्स के बारे में। अब ये सब कुछ उसी में था कि अगर आप प्राइवेट यहाँ पे आ रहे हो तो यार स्कॉलरशिप में यही सब कुछ होता है, लेकिन आप फ्री होता है, टोटली फ्री होता है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, स्कॉलरशिप आपकी तरफ से पे करती है, आपका फर्स्ट ईयर इसको टर्किश लैंग्वेज कोर्स होता है और उसके बाद आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है उस डिपार्टमेंट में जिसमें आप करना चाहते हो। इसी तरह से प्राइवेट में जाइए, आप प्राइवेट में आते हो पहले यही कुछ करते हो, टर्किश लैंग्वेज सीखते हो और उसके बाद जाके अपना एडमिशन लेते हो और आगे अपनी डिग्री स्टार्ट करते हो। ये था टर्किश लैंग्वेज कोर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में, जो आप लोगों ने पूछे थे काफ़ी सारे, मतलब जो पब्लिक की तरफ से क्वेश्चन थे टर्किश लैंग्वेज के बारे में, उन सब के बारे में बात की जाए। तो यार सबसे पहले जो क्वेश्चन ये किया गया था, ये था स्कॉलरशिप वालों के, नहीं ये एक बच्चों की तरफ से था कि अगर कोई टर्किश लैंग्वेज पहले से जानता है तब। अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ये थे कि अगर कोई टर्किश लैंग्वेज पहले से जानता है तो क्या उसको इजीली एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में, अगर कोई टर्किश लैंग्वेज पहले से जानता है तो क्या उसको स्कॉलरशिप लेने में कोई फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो यार अगर मैं पहले पहले स्कॉलरशिप की बात करूँ तो यार स्कॉलरशिप में आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको टर्किश लैंग्वेज पहले से आती है, बट इट्स नॉट द बेसिक थिंग जिसकी बेस पे आपको सिलेक्ट करेंगे, वो आपके मतलब मेरिट की बेस पे ही आपको सिलेक्ट करेंगे, कोई इसमें आपको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देगी, सिर्फ ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में आपके लिए, ये बात आप क्लियर कर लें। मेन चीज़ आपकी वही एप्लीकेशन, आपका SOP और आपके मार्क्स मैटर करेंगे। इसके अलावा आप बात की जाए कि अगर जो प्राइवेट पे बच्चे कह रहे हैं कि हमें कोई फायदा होगा, तो यार ऑफकोर्स आपको टर्किश लैंग्वेज अगर आती है तो आपको फायदा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको अगर टर्किश लैंग्वेज पाकिस्तान में बैठ के वीडियो लेक्चर्स देख लिए और आपको आ गई और आप यहाँ पे आके स्टडी स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे आके C1 का एग्जाम देना पड़ेगा, C1 कोर्स जो फाइनल है, C1 का एग्जाम जब आप क्लियर करोगे, आपके पास C1 का सर्टिफिकेट होगा, तब आप किसी भी टर्किश लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हो। सिमिलरली स्कॉलरशिप वाले बच्चे भी जिनको पहले से आती है वो यहाँ पे आके डायरेक्ट एग्जाम दे देंगे, C1 का आते ही C1 का एग्जाम देंगे, अगर वो एग्जाम क्लियर कर गए तो उनका डायरेक्ट ही वो डिपार्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, अगर उनका एग्जाम क्लियर ना हुआ उन लोगों से तब फिर वो लोग पहले लैंग्वेज क्लियर करेंगे, लैंग्वेज में C1 क्लियर करेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह से होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम बात करें अब सेकेंड सवाल के बारे में, जो कि है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू लर्न टर्किश लैंग्वेज, मतलब कितना वक्त लगता है टर्किश लैंग्वेज सीखने में। सर
टर्किश लैंग्वेज सीखने में ना आपको, आप मोस्टली 2 महीनों में आप आराम से इतनी अच्छी टर्किश सीख जाते हो विद इन 2 मंथ्स कि आप किसी भी टर्किश से बात कर सको, उससे कोई अपनी बात समझाना चाहो या उससे कुछ पूछना चाहो। बट सिर्फ लैंग्वेज इसी तक महदूद नहीं होती। हाँ, अगर आप कम्युनिकेशन तक सिर्फ रखना चाहते हो तो आप 2 से 3 महीने में इजीली सीख सकते हो। बट अगर आप यहाँ स्टडी करना चाहते हो, तब मैंने जैसे आपको कहा, आपको फुल ये कोर्स करना पड़ता है और आपके पास C1 का, एटलीस्ट C1 का सर्टिफिकेट हो, जिसकी बेस पे आप किसी भी टर्किश लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो या प्रूफ कर सकते हो कि आपको टर्किश लैंग्वेज आती है। सो मोस्टली इट टेक्स 6 to 8 months, जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है उसी में आप तकरीबन सब कुछ सीख जाते हो। अब अगर हम बात करें ना, एक और क्वेश्चन जो कि पूछते हैं कि टर्किश लैंग्वेज आसान है या मुश्किल। सो यार, टर्किश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो मोस्टली देखा जाए तो ये आसान है, आसान है, बहुत आसान है। इतनी आसान भी नहीं है लेकिन आसान है। उसकी वजह यह है कि टर्किश लैंग्वेज बेसिकली एक काफ़ी सारी लैंग्वेज का ना मिक्सचर है, जिसको हम कह दें। इसके अंदर फारसी के वर्ड्स हैं काफ़ी सारे, इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स हैं काफ़ी सारे, इसके अंदर फ्रेंच के वर्ड हैं, इसके अंदर अरेबिक के वर्ड्स हैं। तो ये काफ़ी सारी लैंग्वेज का ना मिक्सचर हो चुकी है, तो इस वजह से इसको सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। बेसिकली अगर हम पाकिस्तान, इंडिया से हैं या किसी अरेबिक कंट्री से हैं या इंग्लिश भी जानते हैं, तो हमें काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ टर्किश लैंग्वेज में ऐसे मिलेंगे जो कि हम बोल सकते हैं, जो कि है सिमिलर टू हमारे जैसे ही हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूँ आपको वर्ड्स के बारे में जो कि पाकिस्तान में भी सिमिलर हैं और इधर भी सिमिलर हैं, हम लोग जैसे बुक को किताब कहते हैं तो यहाँ पे भी बुक को किताब ही कहा जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो कि सिमिलर टू काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होते हैं, तो इसको सीखने में इसलिए आसानी हो जाती है। और टर्किश लैंग्वेज कोई इतनी मुश्किल ज़ुबान नहीं है कि आप लोग सीख नहीं पाओगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मुझे हंसी आ गई थी। मतलब क्वेश्चन किया गया कि इफ़ वी फेल टू क्लियर दिस एग्जाम, इफ़ वी फेल टू लर्न टर्किश लैंग्वेज। तो यार, पहली बात तो अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या किसी भी इस कंट्री से हो जिनके वर्ड्स टर्किश लैंग्वेज में पाए जाते हैं, अरेबिक कंट्री से, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में फेल हों। मतलब अब हमारे जो भी हमारा मेरा बैच चल रहा है, हम लोग तकरीबन आई थिंक मोर देन 90 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स चल रहे हैं इधर टर्किश लैंग्वेज में। तो और हम में से तकरीबन मैक्सिमम कोई 3 से 4, मैक्सिमम 5 बच्चे ही फेल हुए होंगे। और उनमें भी ये नहीं है कि वो सिर्फ फेल हो गए तो गए। अब उसमें होता क्या अगर आप फेल हो जाओ, ये मैं स्कॉलरशिप के लिए बात कर रहा हूँ। प्राइवेट वाले तो अगर फेल हो गए तो वो दोबारा फीस बढ़ेंगे उस लेवल की, तो लेवल का एग्जाम होता है ना। अगर आप B2 में फेल हो गए तो आपको अगेन B2 देना पड़ेगा। अब अगर स्कॉलरशिप वाले बच्चे जो यहाँ लैंग्वेज सीखने आ रहे हैं, अगर वो फेल भी हो गए, जो कि ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि स्कॉलरशिप में हमेशा अच्छे बच्चे ही आते हैं, बेसिकली वो बच्चे आते हैं जो कवर कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे फेल हों। तो अगर हम उन केसेस के बारे में बात करें तो उस केस में क्या होता है स्कॉलरशिप वालों के बारे में, तो यार आपको एक रीचांस दिया जाता है। लेट्स सपोज अगर आप B2 में आके फेल हो गए हो तो आपको अगेन B2 का एग्जाम देने के लिए बिठाया जाएगा, अगेन B2 की क्लास दी जाएगी आपको और बच्चों के साथ, तो आपका अगेन B2 का एग्जाम देना होगा और वो स्कॉलरशिप में ही इंक्लूड होगा। हाँ, अगर आप अगेन एंड अगेन फेल हो रहे हो और क्लियर नहीं कर पा रहे, तब स्कॉलरशिप आपको 2 अटैम्प्ट देती है। आप फर्स्ट टाइम अगर दोबारा नहीं कर पाए तब दोबारा देगी, दोबारा भी नहीं कर पाए तब स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं होगी, तब आपको ये होगा स्कॉलरशिप आएगी। आप जो अपना यही एग्जाम है ना, यही B2 वाला, ये एग्जाम अब आपको खुद करना पड़ेगा अपने प्राइवेट पैसों से। आप प्राइवेट पैसों से उस एग्जाम्स को क्लियर करते हो, फिर दोबारा स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद फिर आपके यूनिवर्सिटी की जो फील्ड अपने स्टार्ट करनी होती है वो स्कॉलरशिप के थ्रू दोबारा चल जाती है। तो इस तरह से बेसिकली ये होता है, ऐसा हमें कहा गया है। बट बेसिकली अभी तक कोई ऐसे स्टूडेंट है ही नहीं जो कि बार बार फेल हुए और उनके साथ कुछ भी इस तरह का पेश आया हो। हर कोई कवर कर जाता है, एक बार फेल होता है दोबारा वो मेहनत कर लेता है, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज कोई इतना डिफिकल्ट एज सच लैंग्वेज नहीं है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा रट्टे लगाने पड़े या मेहनत करनी पड़े, कुछ नहीं करना पड़ता। एक लैंग्वेज है, आप इंटरेक्ट करने से मंदू से सीख जाते हो, काफ़ी सारे बाहर घूमने फिरने से भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, हर जगह टर्किश लैंग्वेज ही बोलनी पड़ती है, तो इस तरह से आप सीखते जाते हो। सो यार, ये थे आप सब लोगों के सवाल और उन सब के जवाब। आई होप आप लोगों की यार तमाम प्रॉब्लम जो जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी के अभी भी टर्किश लैंग्वेज से रिलेटेड या कुछ और इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि अभी भी पूछना चाहते हैं, तो यार वो कमेंट कर दो, मैं उनको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है आपका अभी भी इससे रिलेटेड, तो इसके अलावा भाई को ना, मुझे भाई भाई मतलब मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी कुछ आपको बताता भी रहता हूँ और काफ़ी कुछ वीडियोज से रिलेटेड जिससे इस तरह के मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। इससे पहले Q&A सेशन गुजरा था, उसका पूछा था, तो इस तरह की बातें मैं पूछता भी रहता हूँ, उनकी बेस पर वीडियोज बनाता हूँ। और कुछ ना सही आज जो यार बातें शातें कर लेंगे ना कुछ ना कुछ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो बताओ, अपने जज्बात को उभारो कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए हो यहाँ पे तो यार सब्सक्राइब करो, अभी तक क्यों नहीं किया आप लोगों ने। इतना कुछ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को भाई, बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखेंगे साथ में, सब्सक्राइब करो। सो इसी के साथ आपको भाई इजाजत लेता है, इसी तरह हंस रहे हैं, मुस्कुराते रहें और देखते रहें शिवलोसर। टाटा, बाय बाय।